हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज दिखाना चाहूंगा जो मेरे पास आए थे मार्क 82 इयर्स के मलेशिया से इम्प्लांट्स के लिए, और कैसे हमने फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किया और कुछ नेचुरल दांतों को बचाया और पीछे के दांतों में इम्प्लांट्स करके पीछे इम्प्लांट्स की और नेचुरल दांतों को भी बचा दिया, जहां से उनके जो ओरिजिनल दांत थे वो भी बच गए और इम्प्लांट्स भी जहां मिसिंग दांत थे हमने इम्प्लांट्स लगाए। अब दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं, दिस वाज हिज प्री ऑप बाइट, जहां पे इनके लोअर के दांत और अपर के दांत आप देख सकते हैं बाइट। जब आपके दांत मिसिंग हो जाते हैं और जब दांत पीछे नहीं होते हैं तो आपको ऑक्लूजन गाइडेड नहीं मिलता है, देख सकते हैं पूरे के पूरे जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं एंड बिल्कुल एज टू एड बाइट होती है उसके बाद फिर। और ये केसेस होते हैं आइडली जो फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, तो पीछे के दांत जो मिसिंग स्पेसेस थे वहाँ पे हमने इम्प्लांट प्लेस किए, देख सकते हैं लोअर में, और यहाँ पे हमने प्लानिंग करके CBCT इवैल्यूएशन के साथ फिर गाइड्स प्रिंट कराई डाइकॉम फाइल्स के साथ, और अपर में 3 इम्प्लांट प्लेस किए आप देख सकते हैं, और उसके बाद इम्प्लांट प्लेस करके हीलिंग अबटमेंट डाल दिया और इन फिर लोअर में इम्प्लांट प्लेस किए, देख सकते हैं लोअर की गाइड्स। इससे ईजी रहता है आपको इम्प्लांट प्लेसमेंट में और एक्यूरेट प्लेसमेंट होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लोअर में 4 इम्प्लांट प्लेस किए, फर्स्ट और सेकंड मोलर्स में, और यहाँ देख सकते हैं अपर में क्राउन का साइज बढ़ाया पोस्ट एंड कोर के साथ, उसके बाद फिर क्राउन कटिंग की, उसके बाद फिर इन पेशेंट्स को दांत दे दिए, उसके बाद फिर ट्राइन लिया, देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइन के बाद फिर उसके बाद दांत दे दिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके बाद फिर अच्छा ऑक्लूजन फिर पीछे के दांतों में जहाँ पे इम्प्लांट प्लेस किया था हीलिंग के बाद पेशेंट मेरे पास आया, और उसके बाद फिर हमने इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन देख सकते हैं दीज आर द ओपन ट्रे कोपिंग्स, और उसके बाद ये जिरकोनिया कोपिंग्स है, जिरकोनिया अपार्टमेंट्स, और यहाँ देख सकते हैं अच्छी स्ट्रेंथ है इनकी, और देख सकते हैं यहाँ पे शेड सिलेक्शन के बाद एक अच्छा ऑक्लूजन मिला, देख सकते हैं यहाँ पे एक बैलेंस ऑक्लूजन जहाँ पे आगे के दांतों और पीछे के दांतों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, अच्छा शेड सिलेक्शन और एक अच्छी प्लानिंग यहाँ देख सकते हैं आप। तो एक इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपको नेचुरल दांतों को भी बचाना होता है, देख सकते हैं बिफोर में एक टेढ़े मेढ़े दांत और काफ़ी कम है हाइट बढ़ाने के लिए पोस्ट एंड कोर, उसके बाद फिर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के साथ एक अच्छा ऑक्लूजन जहाँ पे हमने पीछे के दांतों और आगे के दांतों को एक अच्छा ऑक्लूजन दिया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्लूजन, जहाँ पे पेशेंट फंक्शनली और एस्थेटिक्स दोनों में यूज़ कर सकता है दांतों को, और बैलेंस ऑक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपकी जो बाइट है आपका जो एरिया है जहाँ से आप खाते हैं वो सही रहता है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कोशिश हमारी यही रहती है कि जो नेचुरल दांत है उनको बचाएं और जो मिसिंग दांत है उन पे इम्प्लांट्स करवाएं, तो इसलिए वो पेशेंट्स जिनके दांत हैं खाली दांत हैं और उनको लगता है कि उनके जो दांत हैं वो पूरे के पूरे आपस में मिल चुके हैं और स्पेस नहीं है, दे आर द आइडियल पेशेंट्स फॉर अ फुल माउथ रिहैब। तो जानना चाहते हैं फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे केसेस, ट्रू पेशेंट केसेस, ट्रू पेशेंट फीडबैक, और एक ऐसा मीडियम जहाँ पे हम लोग शेयर करते रहते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे फुल माउथ रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम इम्प्लांट्स भी पूरे दांत निकाल के इम्प्लांट्स करते हैं, कई केसेस में जिसमें हम नेचुरल दांतों को बचाते हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं, तो एक अच्छा प्रोसेस है और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मलेशिया से आए थे पेशेंट्स फॉर इम्प्लांट्स और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन मिला। थैंक यू।